वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज संडे का दिन है और बच्चे घर पे ही हैं। फाइनली अभी मेरा सारा काम निबट चुका है, कपड़े वगैरह सब धोए, खाना वगैरह सब बन गया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज बच्चे घर पे हैं तो थोड़ा सा बच्चों को मीठा बना के खिलाया जाए। और फिर मेरी बहन भी आ रही है थोड़ा सा, तो उसका भी वो भी थोड़ा मुंह मीठा कर लेगी। तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ बालूशाही बना रही हूँ। तो बालूशाही के लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है और उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है 10। और ये मैंने इस टाइप से कर लिया, ये आधा किलो मैदा है, इसमें 10 ग्राम से भी कम हमने बेकिंग सोडा डाल लिया है। और ये देखिए जितना भी हमने ये मला है ना, ये सारा हमने तेल से ही मला है, मतलब देसी घी से ही मला है। तो इसको देसी घी से मल लेंगे हम, या अगर आप रिफाइंड यूज करते तो रिफाइंड से ही मल सकते हैं, वो एज यू लाइक, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसा आप लोग पसंद करते हैं आप उस टाइप से इसको मल सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा पानी लेंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे जिससे कि ये थोड़ा डो अच्छे से बन जाए। ये देखिए, बस ज्यादा पानी नहीं डालना इसमें, थोड़ा सा। और बस इसको ज्यादा वैसे नहीं, नॉर्मल ही आटा गूंथना है इसका, ओके। और बहुत अच्छी हमारी क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसे, बालूशाही बहुत अच्छी बनके तैयार हो जाएंगी, बहुत बढ़िया तरीके से। कि मैं हमें नहीं पता वो कैसे गंदे हाथों से कैसा मटेरियल डाल रहे हैं, उसमें क्या यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता। तो कोशिश यही रहती है कि घर में ही हम सब कुछ खाएं, बना के कोशिश करें। चाहे चलो एक बार फर्स्ट टाइम बेकार बनेगा, सेकंड टाइम बेकार, लेकिन थर्ड टाइम फिर वो अच्छा बन ही जाएगा। तो कोशिश यही करते हैं कि अच्छे से अच्छा शुद्ध भोजन बच्चों को खिलाया जाए। बाहर के तेल का भी नहीं पता, क्योंकि हम तो क्या करते हैं कि जैसे अगर बाई चांस कहीं से आ भी जाती है और बाहर की हम कोई चीज खाते हैं, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि उससे हमें खट्टी डकारे वगैरह, पेट खराब है ना, और बच्चों को तो लूज मोशन तक लग जाते हैं। तो इसलिए हम बाहर की चीज लेना पसंद ही नहीं करते हैं। कोशिश यही रहती है कि हम ज्यादातर घर की ही चीजें खाई जाए। तो देख लेते हैं, आज फर्स्ट टाइम, मैं भी खुद फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। अभी आटा हमारा इस टाइप से हो गया है, देखिए जैसे हम रोटियों का मलते हैं, थोड़ा सा मीडियम मीडियम ही सो ऐसा कर लेंगे तो ठीक ही हो गया है हमारा। अभी तो अभी मैं इसे करूंगी बाद में, पहले क्या है कि पहले इसकी चाशनी बनाना बहुत जरूरी है, तो हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। एक किलो चाशनी मतलब हमें, और पानी लिया जल्दी। ये हमने 4 ग्लास चीनी ले ली है, तो 1 किलो करीबन चीनी हो गई है हमारी। मैंने इस ग्लास का मार्जिन लिया है, आप एक देख लीजिएगा, या तो आप तुलवा के ले लीजिए, या फिर आप जैसे भी आपको मतलब ठीक लगता है उस टाइप से 1 किलो चीनी कर लीजिएगा। और अभी तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 4 ग्लास चीनी ली है, छोटे वाले ग्लास, और 2 ग्लास छोटे वाले पानी डाला है इसमें। और अभी हम इस चाशनी को बनने देते हैं। हमें चाहिए 1 तार की चाशनी, जिससे कि मतलब अच्छे से वो 1 तार की चाशनी प्राप्त रहती है, इतने इससे ज़्यादा तार हमें नहीं करने हैं। तो चलते हैं, इसे बन जाने दीजिए, इतने बॉयल हो जाती है, 1 तार की चाशनी बनती है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चाशनी जो है गाढ़ेपन पे थोड़ा सा आने लग गई है, ये मेरी 1 तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई। और मैंने इसके अंदर क्या करा, आधा कप वो दूध डाला है। दूध क्या होता है कि जो चीनी की जितनी भी गंदगी होती है, दूध सारी गंदगी को निकाल देता है, तो इसकी सारी गंदगी मैंने निकाल दी है। चाशनी देखिए बिल्कुल साफ हो चुकी है। और अब ये 1 तार की चाशनी, ये देखिए ये तार खींचने लगा है, 1 तार की चाशनी बनकर मेरी तैयार हो गई। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं गैस को बंद कर दूँगी
और चाशनी को साइड में रख लूँगी, इतने चाशनी ठंडी होगी, जितने चाशनी ठंडी होती है इतने हम बना लेते हैं बालूशाही, और बस ठंडी चाशनी में गर्म बालूशाही हम डालेंगे। इतने बनाती हूँ मैं बालूशाही और इतने तेल गर्म हो जाता है, जितने मेरा तेल यहाँ पे तेल गर्म होता है इतने हम बालूशाही बना लेते हैं जल्दी से, और बस फटाफट तेल गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। और तेज आंच से आप मतलब वो अपना हिसाब देख लीजिएगा। हमने दो तार की चाशनी बना ली है, वैसे तो इसमें एक ही तार की बनती है लेकिन गलती से मेरी दो तार की बन गई, आप लोग एक ही तार की बनाइएगा। और इस तरह से ये देखिए लोई, इतनी बड़ी लोई ले लीजिए और इस तरह से गोल 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 करके और उसमें इस टाइप से लोई बना लीजिए। मैंने इतनी सारी लोई बना और बिल्कुल मीडियम गैस पे आपको, मैंने अभी स्टार्टिंग में 5 छोड़ी हैं, ऐसे छोड़ देनी है, ये अपने आप फूल कर ऊपर आएंगी और मंदी मंदी आंच पे होने दीजिए, ठीक है, ये अपने आप फूल कर ऊपर आएंगी। तो फिर इन्हें अच्छे से अपना जैसे जैसा आप कलर देना चाहते हैं, मतलब मैं तो थोड़ा गुलाबी कलर दूंगी पिंक कलर के अकॉर्डिंग। फिर चाशनी मैंने ठंडी होने के लिए छोड़ दी क्योंकि ठंडी चाशनी में डाला जाता है, इतने हमारी चाशनी ठंडी हो जाएगी। और बस यहां से निकालिए, मतलब बालूशाही गरम बालूशाही और ठंडी चाशनी, ठीक है, मतलब गरम बालूशाही और चाशनी ठंडी, चाशनी के अंदर आप 5 मिनट छोड़िए और फिर तुरंत निकाल लीजिए। तो देखते हैं हमारी कैसी बनती है बालूशाही। कर रही हूँ ढंग से हुई नहीं थी और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी बालूशाही आखिर बनी कैसी है। ओके, सही फूली फूली आ रही है। बहुत ज्यादा टेस्टी बन रही है। पलक कैसी लग रही है? बढ़िया है, अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी लगी। अच्छा चलो, मस्त, मेरी मेहनत सफल हो गई, बढ़िया बढ़िया। मेरे को तो कुछ भी अच्छा लग जाए। आप भी खाइए और बताइए कैसी लगेगी। बना के अभी ये गुलाबी होने लगी है ना, तो चाशनी ठंडी है हमारी, ठीक है। आपको मार्जिन लेना है ना, अगर 1 किलो चीनी में चीनी कैसे नापे तो आपका छोटे वाला गिलास होगा, सबसे छोटा जो चाय वाला होता है गिलास, आप उसको ले लीजिए, उसके 4 गिलास भर के आप चीनी डाल दीजिए और 2 गिलास पानी, तो मार्जिन वही बैठ जाएगा, है ना पलक, मुझे दिखा। अगर आपको लेना हो ना तो परेशानी हो रही हो कि क्या करें तुलवाएं, अगर 1 किलो ही मंगा रहे हैं चीनी तो कोई बात ही नहीं, हो ही जाएगा उसमें, फिर उसमें आप छोटे वाले 2 गिलास पानी डाल दीजिए, 1 बड़ा गिलास बड़े वाले गिलास से पानी डाल दीजिए। और अगर आपको मतलब मार्जिन का पता ना चले ना तो मैं बताती हूँ, छोटे वाले गिलास लीजिए जो चाय वाले होते हैं, आप वो लीजिए और उनको लेकर आप 4 गिलास चीनी डाल दीजिए और 2 गिलास पानी, पर्याप्त 1 तार की चाशनी बनाइए, ठीक है। ये तो गई चाशनी की बात। और अब ये देखिए आप, ये गुलाबी हो चुकी है, ये है गरम गरम और चाशनी है ठंडी, हमने इसके अंदर डाल दिया, अब ये एकदम सिझट से पी लेंगे, ऐसे एकदम डाल दीजिए, ठीक है। और 5 मिनट टाइम देखकर, सही 5 मिनट आप पड़े रहने दीजिए, ये देखिए कितनी सुंदर बहुत टेस्टी बनी है। Oh, oh, oh.
they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when capping turn your level to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when capping turn your level to a op? Hey, I'm in the island on a Wednesday. Laid back, cooling, kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the. परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है. तो आप लोगों को, आप लोग कैसे लगा मेरा ये व्लॉग? फिर एक नई चीज के साथ आती हूँ, एक अच्छी सी वीडियो लेके, कुछ अच्छा जो थोड़ा सा जिसमें नॉलेज भी हो, तो फिर लेकर आती एक अच्छी सी वीडियो. तब तक के लिए बाय.